ये क्या जीजा जी, आप इतने अमीर हैं फिर भी बेटी की शादी मंदिर में करवा रहे हैं? अरे छोड़ो, यहाँ शादी करवाने वाले सभी गरीब लोग होते हैं, ऐसा सोचते हो क्या? फिर ये सब राम नारायण जी के कारण है। हाँ, जिसकी भी शादी यहाँ पर होती है उनके आशीर्वाद से उसका जीवन सुखी रहता क्या है। आप ज्योति श्री राम नारायण के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ वही। विवाह केवल दो दिलों और आत्माओं का मिलन नहीं है, बल्कि दो कुंडलियों का मिलन है। विवाह का मुहूर्त भी उचित होना चाहिए। प्रभु भीमेश्वर स्वामी जी की कृपा से मैं कामना करता हूं कि आप सभी का जीवन सुखमय हो। वो एक महान ज्योतिष है, उनकी भविष्यवाणी सही होती है। फिर तो उनके परिवार का कभी बुरा हो ही नहीं सकता। लेकिन दुर्भाग्य से उनकी बेटी की शादी होने के बाद भी जीजा जी। चलते हैं। बोलो मामा। वो नहीं बेटा, मामा बोलो, मामा। ये भाई के लिए तुम्हारा प्यार है, इसे मजबूर क्यों कर रही हो? ये तो ठीक से माँ भी नहीं बोल सकता, तो फिर ये मामा कैसे बोलेगा? हाँ हाँ, अगर मेरा भाई हमारी शादी के लिए मदद नहीं करता ना, तो हमारी शादी नहीं होती, और ना ही मैं आपकी पत्नी होती और ना ही आपका बेटा। अच्छा, तुम्हारे भाई की आर्मी में पोस्टिंग कब होगी? नेक्स्ट वीक ही होगी, वो भी राजस्थान में। तो मैडम के पिता शादी के खिलाफ थे? कास्ट प्रॉब्लम? नहीं। तो फिर जायदाद का प्रॉब्लम होगा मैडम? ऐसी बात नहीं है। तो फिर और क्या मैडम? हमारी कुंडली नहीं मिल रही थी, और अगर हमने शादी कर ली तो जब हमारा बच्चा एक साल का हो जाएगा तो हम दोनों की मौत हो जाएगी, इसलिए पिताजी शादी के खिलाफ थे। समझ गया मैडम, आपका बेटा एक साल का हो गया है और अभी तक कोई भी अशुभ कार्य नहीं हुआ है, यही बताने के लिए आप अपने पिता के पास जा रही हैं, है ना मैडम? 100% यही बात है, लेकिन ये अभी तक एक साल का नहीं हुआ है। ओ, अभी तक नहीं हुआ? कल ही इसका पहला जन्मदिन है। ओहो, कल है क्या? बच्चा चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा है, हम क्या करें? रुक जाओ। इस तरह के विवाह से पैदा हुए बच्चे की कोई उचित कुंडली नहीं होगी। मैं इसका साया भी अपने घर पर नहीं पड़ने दूंगा। हम बच्चे को अनाथ की तरह कैसे छोड़ सकते हैं बताइए? बात उसे छोड़ने की नहीं, उससे हमेशा छुटकारा पाने की हो रही है। उसे उसके दादा दादी के हवाले कर दो। है, शवों की अंतिम संस्कार की तैयारी करो। अब चलो। Thank you.
बच्चे को मत छुओ, ये उसकी कुंडली में। पापा, आप मानते हैं कि हमारे भाग्य को लिखने की शक्ति भगवान के पास है, लेकिन उस भाग्य को फिर से लिखने की शक्ति इंसान के प्यार में है, ऐसा मैं मानता हूं। ये मेरा भांजा है और ये मेरे साथ रहेगा, फिर चाहे इसमें आपकी अनुमति हो या ना हो। लंदन से हम लोग अपना पोता लेने आए हैं। ये कहीं नहीं जाएगा, लेकिन अगर आप इसके साथ रहना चाहते हैं तो मेरे घर चलिए, आप हमारे साथ रह सकते हैं। समारोह के दौरान सेंट पीटर्स चर्च में आतंकवादी हमले में मृतकों की कुल संख्या 46 पहुंच चुकी है। लश्कर ए मोहम्मद नाम के आतंकवादी समूह ने चेतावनी जारी की है कि इस तरह का एक और हमला हो सकता है। कश्मीर के सभी हिस्सों में कर्फ्यू लगा दिया गया है और शहर के सभी मार्गों पर नाकाबंदी कर दी गई है। सुरक्षा टीमों को आदेश दिया गया है कि अगर शहर में कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखे तो उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जाए। ये मिलिट्री लोगों का एरिया है, गोली मार देंगे। कहां जा रहे हो तुम? गोली मार देंगे। बैग नीचे रखो।
I'll interrogate him and report you by evening, sir. Okay, sir. क्या उसने कुछ बताया? वो साउथ से है सर. दो घंटे इंटरोगेट करने के बाद इतना ही जान पाए? उसके बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं सर. आधे घंटे में रिपोर्ट मिल जाएगी सर. आर्मी रेस्ट्रिक्टेड एरिया में तुम क्यों घुसे? और ये मैप तुम्हारे पास कैसे है? और तुमने सारी आर्मी लोकेशंस को क्यों मार्क किया है? तुम्हारा नेक्स्ट टारगेट क्या है सर? ये मेरा भांजा है सर, मैं इसे को लेने यहां पर आया हूं. तुम्हारे भांजे का इस मैप से क्या संबंध है? वो यहीं पर मिलिट्री में है सर. नाम? कार्तिक. कार्तिक शिवराम. कौन सी यूनिट? पता नहीं सर. कौन सा रेजिमेंट? पता नहीं. रैंक क्या है? अगर मुझे बता कर आया होता तो मुझे पता होता ना सर. आज 3 साल हो गए हैं उसकी शक्ल को देखे हुए. गॉट इट. तो तुम मिलिट्री एरिया के सारे लोकेशंस मार्क करके यहां आए हो और हर जगह उसे ढूंढ रहे हो? हाँ सर. बेवकूफ समझते हो क्या? सर, ये बहुत डरे हुए हैं सर. इसकी आंखों में डर दिख रहा है तुम्हें? कौन है इसका भांजा? वो बिना किसी को बताए आर्मी में क्यों आया? और ये 3 साल बाद उसे क्यों ढूंढ रहा है? मुझे ये सारी डिटेल्स चाहिए. रिकॉर्ड द स्टेटमेंट. Mr. Karthik, we are impressed with your academics. You are selected for this job. Yes. Thank you so much. But I'm sorry. For what? मुझे इस जॉब की जरूरत नहीं है. मैं इस ऑफर को रिजेक्ट कर रहा हूँ. जॉब में इंटरेस्ट नहीं है तो इंटरव्यू क्यों दिए? मेरे मामा ने मेरी पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत की. मैं बस चेक करना चाहता था वो सफल हुए या नहीं. मैं चलता हूँ. थैंक यू. सी यू. लंदन में पोस्टिंग है, हैंडसम पे. अपने मामा के लिए तुम क्या छोड़कर जा रहे हो तुम्हें पता है? वो फ्यूचर ही क्या जिसमें मेरे मामा ना हो सर. बाय. सालन कैसा बना है? बहुत टेस्टी है लक्ष्मी. लक्ष्मी, विजयनगर के श्री राघवैया को जानते हैं ना? वो चेन्नई में एक फैक्ट्री लगा रहे हैं. उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ मैनेजर की पोस्ट खाली है. हमारे गांव में वो राजू है ना, उसको वो नौकरी दिलवा दीजिए. डिग्री होने के बावजूद भी वो ऐसे ही बेकार घूमते रहता है. पहले बगल वाले के बारे में सोचो जो बेकार बैठा हुआ है, उसके बाद संसार की बात करना. उसके पास ना तो नौकरी है ना ही मिलने की उम्मीद. अगर मेरे प्लैनेट्स मेरा साथ नहीं दे रहे हैं तो मैं क्या करूं लक्ष्मी? अब मेरे नसीब में ही नहीं है कि मुझे नौकरी मिलेगी, तो मेरी क्या गलती है? हाँ, इतना सब कुछ है ना, मुझे कुछ करने की क्या जरूरत? हाँ, इसीलिए मैं सिर्फ रिलैक्स और चिल करता हूँ. हाँ, सही कहा ना नाना जी. पहले इससे कह दो कि ये मुझे नाना कहकर मत बुलाए. मेरे बेटे की जिद की वजह से मैंने एक अनाथ को आश्रय दिया. इसके अलावा इसका और मेरा कोई रिश्ता नहीं है. इससे कहो कि मैं इसे 1 महीने का समय दे रहा हूँ. इसे कोई नौकरी ढूंढ कर इस घर को छोड़कर जाना होगा. ऐसा नहीं हुआ तो मैं इसे इस घर से निकाल दूंगा. अरे अरे अरे, इस तरह हाथ क्यों धो रहे हो? उनकी बात का इतना बुरा लग गया तुम्हें? मैं सिर्फ पानी पी रहा हूँ, हाथ वाथ नहीं धो रहा हूँ. पिताजी को 1 ग्लास छाछ दे दो, वो थोड़े ठंडे हो जाएंगे. 1 ग्लास काफी नहीं होगा मामा, मटका दो मटका. माँ. हाँ? तुम्हें पता है मैं मेरे दोस्त प्रकाश की बेटी के शादी में गया. हाँ? वहाँ मुझे वो बहुत पसंद आई. अरे अरे मेरे सोना, कितनी अच्छी खबर सुनाई तुमने. बताओ वो लड़की कौन है? मैं भी साथ चलूंगी इसके माता पिता से मिलने. हेलो हेलो, मैं किसी लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ. फिर
जलेबी रबड़ी। जलेबी रबड़ी? हाँ जलेबी रबड़ी, उस शादी में जो बनी थी ना बहुत ही बढ़िया थी। क्या तुम मुझे बना के खिलाओगी? जरूर खिलाऊंगी बेटा, मैं कल बनाऊंगी, अभी जाकर सो जाओ। ठीक है। शादी के बारे में गाना गाते हैं लेकिन शादी नहीं करेंगे। क्या बात है लक्ष्मी, अपने आप से बड़बड़ा रही हो। नाना जी ने राहु काल की वजह से किसी को मना किया क्या? इस तरह ताने मारने की कोई जरूरत नहीं है। जानता है इसके सारे दोस्तों की शादी हो चुकी है, यहाँ तक कि उनके बच्चे भी जवान हो चुके हैं, लेकिन यह है कि शादी के बारे में सोचता ही नहीं है। आ? मामा जी ने कभी शादी के लिए मना ही नहीं किया। वो तो आप लोग मामा जी के लेवल की लड़की नहीं ढूंढ पाए तो वो क्या करे। हाँ, तुम्हारे मामा जी तुमसे यही कहते रहते हैं। तुम्हें पता है हम उनके लिए कितने रिश्ते लेकर आए थे? अरे रे 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 रे, इधर देख, इधर देख, अपने मामा को देख। दादी मेरा प्यारा भांजा, बच्चे के साथ खेलना बंद करो और बताओ कि मेरी पोती पसंद आई या नहीं। क्या आपको पिछवाड़ा धोना आता है? इस बच्चे का? दादी माँ, मेरी पोती ये सारे काम क्यों करेगी भला? तो हम खुद ही धो लेंगे, चलते हैं। चलो माँ। आप मुझे बहुत पसंद हैं जी, हमारे विचार भी कितने मेल खाते हैं। मुझे रिश्ता पसंद है, मैं जाकर अपने पापा को बता देती हूँ। ठीक है। अरे कोई देख लेगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना? मैं पैंट उतार देता हूँ। हाँ पैंट, देखिए ना अपने पैंट कैसे गीली की है इसने। एक लाख की साड़ी से तुम इसका मुंह कैसे पोंछ सकते हो? तुम्हारी साड़ी इससे ज्यादा कीमती है माँ। इसके मुंह पे 1,00,000 रुपए मार दो, चल भांजे दूसरी लड़की देखते। अगर मैं आपकी पत्नी बन जाऊँ तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी, लेकिन आपकी और मेरी शादी में एक छोटी सी प्रॉब्लम आ सकती है, और वो है आपका भांजा। शहर में एक अच्छा हॉस्टल है जहाँ सारी फैसिलिटीज हैं, हम हर सप्ताह जाके उससे मिल सकते हैं और छुट्टियों में घर भी ला सकते हैं। आपको ऐसी शानदार आइडिया किसने दी? मैंने दिया दामाद जी। क्या मैं एक लंबी वाली लौकी ले सकता हूँ? नहीं दामाद जी, लड़की के साथ साथ सब कुछ तुम्हारा है। आपने मेरे पापा को कैसे मारा? मेरी एक बात याद रखना, आपको शादी के लिए लड़की मिल सकती है लेकिन आपके भांजे के लिए माँ नहीं। भांजे के लिए माँ नहीं। भांजे के लिए माँ नहीं। वो ऐसी पत्नी नहीं चाहता था जो तुम्हारी माँ न बन सके, इसीलिए उसने अपनी मिलिट्री की नौकरी छोड़ दी तुम्हारी देखभाल करने के लिए, जैसे तुम उसकी दुनिया हो। आज के बाद आपकी शादी की जिम्मेदारी मेरी है मामा जी। मामा जी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम उनके लिए लड़की देखने राजमुंद्री जा रहे हैं। अबे ठीक है यार, मुझे 3 महीने के अंदर मामा जी को दूल्हे के रूप में देखना है। 3 महीने इंतजार क्यों करना है? दर्जी को बोल दे शाम तक कपड़े मिल जाएंगे। ए, अपने गंदे जोक अपने पास रख, मैरिज ब्यूरोस को इन्फॉर्म कर दिया ना? हाँ मैंने सारे ब्रोकर्स को इन्फॉर्म कर दिया है, सभी हमारा वेट कर रहे हैं। फिर ये बेवकूफ किसका कर रहा है? अबे मेरी की बेटी फर्स्ट टाइम गाँव में आ रही है। हरिका आ रही है क्या? अबे तुझे उसका नाम कैसे पता? तू उसको पहले से जानता है क्या? ऐसा है। वो यहाँ क्यों आ रही है? बाप के चुनाव प्रचार के लिए डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के लिए आ रही है। अपने बॉयफ्रेंड के गांव में क्यों आई? शट अप, बॉयफ्रेंड नहीं एक्स बॉयफ्रेंड, पर मैं कहीं भी आ जा सकती हूँ। अरे बजा रे। मैडम जी आ गई, मैडम जी आ गई। इसे दे दीजिए सामान। मतलब कि तुम दोनों कॉलेज से एक दूसरे को जानते हो? जानने की जरूरत है? क्या आप फिर से कभी ऐसा करोगे? बोलो। अब इस तरह से कभी भीख मत मांगना, कल से मैं तुम्हें स्कूल यूनिफॉर्म में देखना चाहती हूँ, समझी? अरे नहीं, स्कूल में टीचर मुझे मारती है। मैं तुम्हारी नई टीचर हूँ, मैं नहीं मारती, तुम्हारी फीस भर दूंगी, चुपचाप स्कूल आ जाओ। ओके टीचर। गुड बॉय। ये तो मामा जी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। क्या आप शादीशुदा हैं? हाँ? हाँ? क्या आपकी शादी हो चुकी है? आमतौर पर पहली मुलाकात में लोग नेम पूछते हैं, और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं मैरिड हूँ या नहीं। ठीक है, आपका नाम क्या है? वेनेला। वेनेला जी आपकी शादी हो गई है?
कौन हो तुम? लेडी से कोई ऐसे पूछता है? ठीक है, आपसे पूछता हूँ, इनकी शादी हो गई? पर्सनल डिटेल से क्या लेने देना? अरे आप कौन है? मैं इसका फादर हूँ। सुपर, आपका कोई दामाद है? नहीं, मैं मैरिड नहीं हूँ। सुना व्हाट? अरे अरे, मुझे अपना सामान दीजिए, दीजिए ना प्लीज। आज से आपकी सारी जिम्मेदारी और सारी बोझ मेरे हुए। मैं मुझे एड्रेस, मुझे एड्रेस दीजिए, मैं पहुंचा दूंगा। चलिए चलिए, गाड़ी उस तरफ है, आइए ना। हम विदाउट रीजन इसकी गाड़ी में क्यों बैठे? हम खुद कहां बैठे हैं बेटी? इसने अंदर धकेल दिया। वैसे मैडम की लैंग्वेज थोड़ी अजीब सी क्यों है? इंग्लिश फिल्म की सस्ती हिंदी डबिंग की तरह। मैं नॉर्थ इंडियन हूँ, इनकी माँ बंगाली है। तो क्या लिव इन में थे? अरे नहीं नहीं, मैंने शादी की थी। भाई ब्रोकर ने एक फोटो भेजी है, उम्र 34 साल, हाइट 5'4" है। ए, अब इस सब की जरूरत नहीं है, उससे क्या, डोंट सेंड मोर। अरे भाई एक बार फोटो देख तो ले, फिर सिलेक्ट करना ना। ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया है, अब बस सेटिंग करनी बाकी है। समझ गया मैं, समझ गया। अरे बन गया तू मेरी रानी, तेनू महल दबा दूंगा। ए रानी रानी रानी। ए, कल से यहाँ केबल कनेक्शन सेट होना चाहिए, पिक्चर में कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। दूध वाले को बोल दो कल से दूध डालना शुरू करे, सुबह 5 बजे पेपर आना चाहिए। न्यूज़ नहीं होनी चाहिए क्या? उसमें सारे न्यूज़ होने चाहिए। बेटा अगर हमें अंदर जाना है तो तुम लोग यहाँ से जाओ। एक्सक्यूज मी टीचर, गालों में पाउडर लगाकर, सिल्की साड़ी पहनकर, बालों में चमेली का फूल लगाकर मेरे दोस्त के साथ गन्ने के खेत में आओ ना। क्या बोल रहा है तू? क्योंकि मामा जी वहीं पर होंगे, बात बन सकती है। फ्लावर्स लगाने को क्यों कह रहा है ये? नहीं नहीं, बालों में नहीं, बस फूल पकड़ के आना है। आप अभी अभी शिफ्ट हुई है ना, यहाँ पर एक देवी का मंदिर है, उनका दर्शन ले लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, यही कह रहा था ये। अब हम चलते हैं। कुछ भी देरी क्यों कर रहा है? मामा जी मिलेंगे तो मामला फिट हो जाएगा। बाहर से कोई सावित्री दिखता है इसका मतलब ये नहीं कि वो अंदर से सावित्री हो। सबसे पहले इनका कैरेक्टर मामा जी के साथ सेट होता है या नहीं, ये चेक करना। सही है बाबा, सही है। चला जा। मुझे 130 एकड़ जमीन मिली है, मैंने वो आपके नाम ट्रांसफर कर दिया है जीजा जी। ये सब अच्छा है, लेकिन ये क्या है, कागज पर ये खून के धब्बे? कोई भी सोच सकता है कि मैंने उसे जबरदस्ती छीना है, इलेक्शन भी आ रहे हैं। वैसे बाबू, तुम्हारी बियर फैक्ट्री के लिए परमिशन मिल गई है। क्या क्या बात है? उनको खड़े होकर पाठ पढ़ाने की आदत है। बोलिए। 300 बच्चों की जिंदगी का सवाल है, वो वहीं हॉस्टल में रहते हैं और स्कूल जाते हैं सर। यदि आप वहां बियर फैक्ट्री लगाएंगे तो बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा? आप इस पर पुनर्विचार कीजिए सर। आप ऐसे बच्चों की पढ़ाई को लेकर क्यों रोते रहते हैं? आप अपनी नौकरी को लेकर चिंतित हैं? अरे मास्टर को बियर फैक्ट्री में बोतलें गिनने का काम दे दो, हिंदी पढ़ाते हैं लेकिन मैथ्स में अच्छे हैं। इसे अंग्रेजी में बम्पर ऑफर कहा जाता है। हाँ। कितने अच्छे से सब सेटल कर दिया। अरे क्या कर रहे हो भाई? थोड़ी देर में कप टूटने वाले हैं सर जी। कप क्यों टूटेंगे, ये क्या बात? दो मिनट में सब पता चल जाएगा। पागल है, कह रहा है कप टूटने वाले हैं। मिस्टर मिलिट्री नायडू यहाँ क्यों आए हैं? मास्टर जी की मदद करने के लिए आए होंगे सर। बियर की बोतल की कसम, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी फैक्ट्री वहीं पर बनाऊंगा जीजा जी। फिर से बोल। ए, बहरा है क्या? कितनी बार बताएं? ये बियर फैक्ट्री बनेगी, तुझे जो करना है कर। मामा जी ने दोहराने के लिए इसलिए कहा था ताकि जो गलत कहा है उसे सुधारने का वक्त मिल जाए। बात दोबारा रिपीट हुई तो इनका हाथ भी होगा। देख क्या रहे हो तुम लोग? रुक जाओ,
मिलिट्री नायडू जी, जब मास्टर जी ने अपनी समस्या बताई तो मैंने कहा मैं इसे हल करूंगा। वो हिंदी मास्टर है और मैंने उन्हें अंग्रेजी में बताया, शायद इसलिए कंफ्यूज हो गए। इसे मिसकम्युनिकेशन कहते हैं इंग्लिश में। स्कूल वही रहेगा, ये मेरा वादा है। अगर बच्चों के भविष्य के साथ खेलोगे तो तुम्हारा भविष्य खत्म, ये मेरा वादा है। आपने उन्हें छोड़ क्यों दिया? हेलो, हमने उन्हें नहीं, उन्होंने हमें छोड़ दिया। उसके खिलाफ जाना मतलब पूरे 14 गांव के खिलाफ जाना। इसे इलेक्शन के बाद देखेंगे। टीचर्स के लिए क्वेश्चंस रेडी है ना भाई? सवाल तो रेडी है भाई, लेकिन उसका टेस्ट कल करेंगे। तुझे लुंगी में जॉगिंग करते देखकर बुरा लगा? लुंगी के बिना और बुरा लगूंगा भाई। अच्छी ऐसे लोटे में पानी लेकर भागते हुए कहाँ जा रहा है? इस सब की वजह इसका बाप है। क्यों? सही कहा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये सरकार की योजना है, इसका नाम है वाटरिंग प्लांट्स। एमएलए पशुपति जी की मेहरबानी है। रियली? वो दरअसल बात ये है कि चेक कर लेना। अरे ये लोग चेक क्यों नहीं कर रहे यार? चेक कर लीजिए। हरिका, मैं जाके देखती हूँ। अब आप लोगों को ये भी बताना पड़ेगा, लोटा पार्टी के लीडर जी, ये लोटा लेकर कहाँ जा रहे हैं और इसके पीछे कौन है बताएंगे? और कौन हो सकता है, हमारे एमएलए पशुपति जी। He's right, come on, superb. अगर ऐसी स्कीम्स हाईलाइट हो तो मेरे डैडी लाइमलाइट में रहेंगे। चलो मैडम जी। तू कहाँ जा रहा है? वैसे स्कीम का नाम क्या है रघु? नाम है हाथ में लोटा पकड़ो, लुंगी उठाकर खेत में खाद डालो। क्या बात है, कितना अच्छा लग रहा है आपको देखिए। तुम अपना मुंह बंद कर। ये लोग पौधों को पानी देने नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब ए, रुको। हाँ, अरे दूर हटोगे तब हम अपना काम करेंगे ना? नहीं नहीं नहीं, मुझे देखना है और पूरी दुनिया को भी ये वीडियो दिखाना है। अरे, हाँ, ये पूरी दुनिया को दिखाएगी। अब हम ऐसा करेंगे जैसा कि आपने बताया था, इन सब के पीछे एमएलए का हाथ है। फिर सेम फीलिंग के साथ वापस से पूरा बताओ। मैं लो एंगल से शूट करती हूँ, शुरू हो जाओ। बता, इसमें तकलीफ तो नहीं होगी? बैठो और करो, कुछ गलत नहीं है। आप लोग बस कम्फर्टेबल हो जाओ। चलो चलो स्टार्ट करो। स्टार्ट करना है, अभी बताता वालों का इमोशन चेक करने गई थी, उनका मोशन कैप्चर कर लिया। मैडम मैडम, क्या आप इस प्रोग्राम को बंद कर सकती हैं? मुझे बहुत टेंशन हो रही है। तुम्हें किस बात की टेंशन? मतलब ये खेत वेंकट जी का हो गया, इसको ये डर है कि वो कहीं आना जाए। अरे, who is this वेंकट जी, और तुम उनसे इतना डर क्यों रहे हो? क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप उसको देखो। क्यों? अरे क्या, क्यों क्यों? अरे उनको लड़कियों के ऊपर कपड़े पसंद नहीं है, रात में बिस्तर पे दो लड़कियां चाहिए। वेंकट जी के बारे में इतना झूठ क्यों बोल रहा है मोटू? अगर कोई लड़की पसंद आ गई तो चाहे वो कुंवारी हो या शादीशुदा, बिस्तर पे ले जाता है। Oh my God, really? अरे मुझे कुछ सुनाई दे रहा है। और मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर? हाँ, विधायक जी की बेटी है, वीडियो शूट करना चाहती है, मैं तो मदद कर रहा हूँ, गलत है क्या? ओ, तुम पशुपति की बेटी हो? मैं तो तुम्हें तब से जानता हूँ जब तुम बच्चों के कपड़े पहनती थी। मैडम तो बड़ी हो गई है, लेकिन लगता है उनकी निक्कर का साइज वही है। हाँ, मैं भैंस का ब्रोकर बाप जी। हाँ, ए, यहाँ पर तो वेंकट जी है। रुक रुक, नमस्ते वेंकट जी। और बाप जी, कैसा चल रहा है बिजनेस? आपके आशीर्वाद से अच्छा है, मैंने आपके लिए लक्ष्मी भिजवाई थी। कैसी है वो? अभी लक्ष्मी कौन है? वो लड़कियों का दलाल है और ये उसका कस्टमर। लक्ष्मी बहुत अच्छी है, बहुत जल्द सुधी हो गई। अब इसका क्या मतलब है? सुधी का मतलब गर्भवती होना, तुम्हारी कोड लैंग्वेज है। वैसे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन थन को छूने ही नहीं देती। व्हाट इज थन? थन का मतलब जिससे दूर। यू मीन
अरे हमने बहुत कोशिश की, मैंने, नौकरों ने और दो लोगों ने पिछवाड़ा छूने की, लेकिन हाथ नहीं लगा देते। चार लोगों ने एक साथ ट्राई किया, देखना ये कैसे खुलम खुला बात कर रहा है। एक और है जो गुजरात में रहती है, लक्ष्मी जैसी नहीं है, बहुत हट्टी कट्टी है, भेज दूं क्या? सच में भेजोगे? सच कह रहा हूँ। ठीक है भेज दो, वो लौट जाएगी। अच्छा ठीक है, लौट जाएगी लेकिन किसके साथ? चलो भाई एक ऑर्डर मिल गया हमें। मैडम अब तो आपने देख ली ना इसकी डीलिंग। अबे किस डीलिंग के बारे में बात कर रहा है? हेलो क्या स्टीयरिंग काम नहीं कर रहा है? तुम जानते नहीं हो। ओके मिलते हैं। क्यों बे, वो जॉगिंग के लिए गया था, तुमने खुद देखा था ना? मुझे लगता है कार्तिक की तरह ना पूरा गांव खिसका हुआ है। कार्तिक रुकिए, आप कहाँ तक पढ़ी हैं? वो मैंने इस साल इंजीनियरिंग पूरी की है। कार्तिक भी यही पढ़ा है। कॉलेज कौन सा? मीठे भाई कॉलेज। कॉलेज भी वही है। आपको हमारी डिटेल्स क्यों चाहिए? हो तो मुझे बस आपसे ये जानना था कि वो निकल यहाँ से। हाँ, चल। तूने कार्तिक से ब्रेकअप करके बहुत अच्छा किया, वरना हम इस गाँव में फंसी जाते। ब्रेकअप मतलब क्या कह रही है? प्यार का रिश्ता खत्म करना। कंटिन्यू मतलब गाना मत कंटिन्यू कर। तुम्हारी गर्लफ्रेंड हारिका की बात कर रहा हूँ। हारिका के बारे में आप कैसे जानते हैं मामा जी? अरे तुमने ही तो बताया था, दो पैक पीने के बाद भूल गया। शराब के नशे में आपको कंफ्यूजन हो रहा है, उसने कुछ बोला कि नहीं? फिर से बोलना। मैं खुद शराब के नशे में हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन मुझे भी है। अरे बाप रे, ये शराब तो बहुत डेंजर है मामा जी, मुझे तो याद भी नहीं है मैंने नशे में आपको क्या क्या बता दिया होगा। मैं जा रहा हूँ मामा जी। अरे अरे सुन, बाकी सब कुछ ठीक है लेकिन ये टीक ब्रेक अभी अच्छा नहीं है। अरे अरे मैंने आपको इसके बारे में भी बता दिया मामा जी। नहीं 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 नहीं, तुमने मुझे सब कुछ बता दिया भांजी। मुझे तो लगा था कि मेरे भांजे का प्यार टाइटैनिक के रेंज में होगा, लेकिन तुम्हारी कहानी छोटी नाव जैसी भी नहीं। आप मेरी ब्लॉकबस्टर लव स्टोरी को नाव से कंपेयर कर रहे हैं? पता नहीं मैंने नशे में क्या कहा और आपने क्या सुन लिया। मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ, सुनो। हारिका तीन साल जो मैंने उसके साथ बिताए थे वो हर पल बहुत कमाल का था मामा जी। जब मैं इसे फिर से सुन रहा हूँ तो तुम्हारी लव स्टोरी जादुई लग रही है। तो अब मुझे अपने ब्रेकअप के बारे में बताओ। मामा जी हाँ, जरा यहाँ हाथ रखना, सिर में दर्द हो रहा। कहाँ पे? आपको मेरी कसम दोबारा इस बारे में बात नहीं करोगे? अरे कार्तिक, हेलो। यस सर, ठीक है सर, हमारे लोगों ने पुलिस स्टेशन में संपर्क किया है, इनका बयान हमारी रिपोर्ट से टैली कर रहा है सर। ये सच है, इनका भांजा तीन साल से लापता है सर। अब तक इन्होंने हमें जो बताया है वो सही होना चाहिए। इसका एक भांजा है और वो लापता है, सिर्फ यही कंफर्म हुआ है। लेकिन इसका भांजा आर्मी में है और ये उसके लिए आया है, ये अभी तक साबित नहीं हुआ है। इसका फैसला कल कंटोनमेंट में होगा। सर, लगता है आप अपने भांजे के लिए परेशान हैं। वो अगर आपको अभी मिल जाए तो क्या करेंगे? अगर वो मिलेगा तो एक थप्पड़ लगा दूंगा। मुझे बताया बिना चला गया, गलत है ना? बिल्कुल है। अरे मैं उसे मार नहीं सकता, सिर्फ डांटूंगा उसे। जब मैं उससे मिलूंगा तो मैं उसे गले लगा कर प्यार करूंगा सर। ये सही है। सॉरी, हमने पूरी आर्मी में इंक्वायरी की है लेकिन ऐसा कोई आदमी आर्मी में नहीं। उसने ऐसा कहने के लिए बोला ना सर? कौन? मेरे भांजे ने आपको ऐसा कहने को बोला ना? व्हाट नॉनसेंस मेजर, इसका दिमाग तो ठीक है? इसके ड्रामा पर मुझे पहले से शक था सर, साबित करने के लिए इसे यहाँ लाया हूँ। मैं इसे देख लेता हूँ सर। सॉरी सर, सर मेरा भांजा यहीं पर है सर। सर मेरी बात सुनिए सर, प्लीज सर।
सर प्लीज मेरी बात सुनिए सर, मेरा भांजा यहीं पर है सर, प्लीज प्लीज सर एक बार मेरी बात सुन लीजिए सर, रामाराव सर प्लीज सर उससे एक बार मेरी बात करवाइए सर, प्लीज सर कम से कम एक बार फोन पर तो बात करवा दीजिए सर, प्लीज सर प्लीज सर। अरे आई एम सॉरी सर। सर। यस। कार्तिक का मामा उसको लेने आया था सर, एज पर योर इंस्ट्रक्शन मैंने उसे कुछ नहीं बताया सर। मेंटेन दैट। यस सर। कैप्टन कार्तिक शिवराम वीर योद्धा। देखो वेंकट, तुम सिचुएशन को समझने की कोशिश करो, मेरी बात सुनो और मुझे सच बताओ। मैं सच कह रहा हूं सर। अगर तुम सच बोल रहे हो और अगर तुम्हारा भांजा तुमसे प्यार करता है तो वो तुमसे मिलने क्यों नहीं आता, क्यों कर रहा है वो ऐसा? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आपको हमारी पूरी कहानी सुननी होगी सर। एक्शन। हमारे एमएलए साहब ने हमें प्रोत्साहित करने के लिए कर्ज दिलवाया है, आज मैंने ये पौधे लगाए हैं, इसकी वजह हमारे एमएलए साहब हैं। अरे पौधा पौधा क्यों कह रही है, पौधा नहीं धान की खेती करनी है। लगता है मैडम जी कल के सदमे से बाहर नहीं आ पाई है, इनसे ना हो पाएगा। छे चुप कर, मेरा ऑडिशन में सिलेक्शन हुआ था, तू मेरा इंसल्ट कर रहा है। भाई के करेक्टर के लिए। छे चुप, मैं ये रोल नहीं करूंगी, मैं तो एक हीरोइन मटेरियल हूँ। अरेंजमेंट तो कमाल का है। ये हम लोगों ने नहीं किया, वेंकट जी ने किया है। अरे बाप रे आ गए। आपको इनसे क्या काम? अगर उन्हें दोबारा मिलाना है तो उनके ब्रेकअप का कारण जानना होगा। कार्तिक ने तो कसम दी है, उसे पूछ नहीं सकता। तो चलो इस लड़की से ही पता कर लेते हैं। आ जाओ। हाँ ठीक है। और मैडम यहाँ का इंतजाम कैसा लगा? सबको हमारी तरफ से खाना भी मिलेगा। कैसी बात कर रहे हैं आप? हाँ, आपको हम में इतना इंटरेस्ट क्यों है? वो भी बता देता हूँ, पर उसके लिए तुम्हें मेरे साथ सिर्फ 10 मिनट उन झाड़ियों में चलना होगा। मुझे लगता है ये पूरा पागल है। वहाँ हमारी एक शेड है और उसमें एसी भी है, 5 मिनट में कूल, 10 मिनट में मैट्रेस। पसीना भी नहीं आएगा। बिल्कुल नहीं आएगा। मेरी बात सुन, ये लड़कियाँ पटाने में माहिर लगता है। देखिए मैं नहीं आऊंगी, आपको जो भी कहना है यही बताइए। नहीं, ऐसी बातें सबके सामने नहीं कहते, इसके लिए प्राइवेट जगह होनी चाहिए, सिर्फ 10 मिनट। हम बस यूं गए और यूं आए। ये आदमी तो काम वासना से भरा हुआ है। अरे तुम बच्ची हो, तुम नहीं समझोगी, ये हम बड़ों की बातें हैं। मुझे बस 5 मिनट की तो बात है, मैं यही इंतजार करता हूँ। यही वो शेड है, 5 मिनट आ जाओ। अरे अरे ये तो पर्सनल मामला है, पब्लिक में डिस्कस नहीं कर सकते ना, ये समझ क्यों नहीं रही? मैं आपकी नई इंग्लिश टीचर हूँ और आप सबकी फ्रेंड भी। आज हमारा क्लास में फर्स्ट डे है, इसलिए सबसे पहले हम एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो पहले आप अपने बारे में बताइए टीचर। श्योर sure, तो पूछिए। आपका बॉयफ्रेंड है ना टीचर? टीचर से ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं क्या? आपने ही तो हमें बताया था ना कि आप हमारे दोस्त की तरह हैं। अभी तक मुझे कोई पसंद ही नहीं आया, इसलिए मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। सिट डाउन। टीचर आप बहुत खूबसूरत है, आपको पता है? ये लड़का तो अपने से इंप्रोवाइज कर रहा है भाई। बस ऐसे ही कह दिया। तो फिर आपने अब तक शादी क्यों नहीं की? तुम जैसे दूर दूर के गांव में रहने वाले छोटे छोटे बच्चों को बहुत अच्छी पढ़ाई करने का मौका मिले, ऐसा ही मैं चाहती थी। अगर मुझे कोई ऐसा मिल गया जो मेरे प्रोफेशन के रिस्पेक्ट करता हो तो मैं उससे मैरिज कर लूंगी।
Okay, any more questions? मेरा एक question है teacher. एक संयुक्त परिवार के बारे में आपका क्या ओपिनियन है टीचर? गुड क्वेश्चन. अगर हम एक साथ नहीं रहेंगे तो एक फैमिली कैसे बन सकती है? ब्लड रिलेशन होने के बावजूद अगर हम एक साथ नहीं रह सकते तो हम अच्छे इंसान कैसे कहलाएंगे? Sit down. मेरा चॉकलेट कहाँ है? इसे चॉकलेट देना. लेकिन इसने सवाल पूछा ही नहीं. मैं भी एक क्वेश्चन पूछता हूँ टीचर. ये लोग कौन है जो क्लासरूम में कछुए की तरह रेंग रहे हैं? ए, who is that? सॉरी भाई. बाहर निकलो. गुड मॉर्निंग टीचर. गुड मॉर्निंग टीचर. गुड नाइट टीचर. सॉरी बाय. गुड बाय. गुड बाय टीचर. ऐसे लोगों को अच्छा सबक सिखाने के लिए गांव में सिर्फ एक ही इंसान है. मिलिट्री नायडू जी. कह रहे कोई लेडीज आपसे मिलने आई है. लेडीज? वनीला. ओ, मैं स्कूल की नई टीचर हूँ. अरे ये तो टीचर जी हैं. नारियल पानी लेकर आओ. फैन लगाओ. लगा तो. अरे फैन उस जगह पर क्यों रखा? नायडू जी आँख में थोड़ा उफ उफ करेंगे. उफ उफ? उसकी आँख में उफ उफ ऐसा बोल रही है. उफ उफ? उफ उफ जाइए. नायडू जी थोड़ा करीब जाके उफ उफ कीजिए ना. नायडू जी कुकर जैसी सीटी क्यों बजा रहे हैं? विसल मत मारिए, फूंक मारिए. एक गहरी सांस लीजिए और एकदम से छोड़िए. मेरी आंख में कचरा गया है, मुंह पर नहीं. मिस्टर नायडू क्विक जल्दी करिए. वैसे आप यहाँ पर क्यों आई हैं? एक लड़का है जो मुझे बहुत परेशान करता है. परेशान करता है तो दो दिन के लिए क्लास के बाहर खड़ा कर दो, ठीक हो जाएगा. लड़का मतलब थोड़ा बड़ा लड़का है, पीछा कर कर के मुझे हरेस कर रहा है. नायडू जी को इंग्लिश नहीं आती. हरेस 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 हरेस. लगता है मुझे ही संभालना पड़ेगा. हरेस हरेस. नायडू जी आप जरा इसे देखिए. अरे ये टीचर हरेस हरेस क्या कर रही है? अरे वो जो कह रही है उसका मतलब है परेशान, जिसका मतलब है टेंशन होना. अच्छा ऐसा है. मुझे मामला समझ में आ गया. उसका नाम और पता बताइए. नाम और एड्रेस तो मुझे नहीं पता. आप ही फाइंड आउट करिए ना प्लीज. फाइंड आउट करना है. फाइंड आउट करना. इस खेत को देखिए. अरे ये फाइंड आउट करना क्या है? अरे उसका कोई एड्रेस पता नहीं है. इस बात के बारे में आपको खुद जाके देखना होगा. टीचर जी को पता नहीं तो कोई बात नहीं, हम उसको ढूंढ लेंगे. टीचर जी को सॉरी बोलो. सॉरी टीचर, माफ कर दो. अरे वो लड़का इसकी तरह कद्दू जैसा नहीं है. शुक्र है इस कद्दू शक्ल ने बचा लिया, वो मैं नहीं हूँ. अगर ये नहीं है तो कौन हो सकता है? अच्छा आप एक काम करो, अगर उसने फिर से परेशान किया तो आप मुझे फोन करो, मैं देख लूंगा. थैंक यू सो मच, बाय. हमारा तो पूरा प्लान ही फेल हो गया. प्लान ए काम नहीं किया तो अंग्रेजी में 2500 अक्षर हैं. प्लान बी. यस. वो चाहे जितने प्लान बना ले, कार्तिक को इस बार लंदन जाना ही पड़ेगा. हनुमंत राव खुश हुआ, अगर हम कोर्ट जाएंगे तो वहाँ कोई आर्गुमेंट नहीं होगी, ओनली जजमेंट होगा. यदि हम लीगली बात करेंगे तो कार्तिक की कस्टडी उसके दादा दादी को दी जाएगी. हालांकि वो इसलिए शांत हैं क्योंकि वेंकट ने उनसे अनुरोध किया था. इस बार ऐसा नहीं होगा, कार्तिक मस्ट गो. हैप्पी 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 हैप्पी. शी इज नॉट हैप्पी. वन सेकेंड. Happy Hanuman Rao here. सर मुझे एक छोटा सा डाउट है, अगर मैं किसी को रोड के बीचों बीच मार डालूं तो सेक्शन कौन सा होगा, सजा क्या होगी? सेक्शन 302, 14 वर्ष की जेल की सजा. और अगर मैं एक लॉयर को मार दूं तो सेक्शन क्या होगा और सजा क्या होगी? लॉयर? वो क्यों? तुम्हें क्या लगता है तुम हमारी जॉइंट फैमिली को तोड़ने की कोशिश करोगे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे?
अरे लॉयर साहब, मर्डर करने पे फांसी की सजा होगी, लेकिन एसिड अटैक किया तो सिर्फ 7 साल की जेल। क्या कहते हो मामा जी? जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, वैसे भी इसकी शक्ल ऐसी है कि इस पे एसिड फेंक भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लॉयर तो कोई और भी मिल जाएगा। तो हमें क्या लगता है? कोई जरूरत नहीं, आपको मौका नहीं मिलेगा। अब क्या हुआ? लंदन एयरपोर्ट पर टेररिस्ट अटैक हुआ है, ऑल फ्लाइट्स कैंसिल। ये अचानक कैसे? चाहे दीपावली हो या दशहरा, पंचांग में पता चलता है। टेररिस्ट अटैक कभी भी कहीं भी हो जाता है। मैं चलता हूँ। बापरे, बाल बाल बचा। अरे बापरे, मर गया। मैं खाने के लिए गन्ना लेने गया था सर, इसीलिए लेट हो गया। अरे इन्हें लेट हो रहा है, पैक करके दे दो। जरूरत नहीं है, पैक कर दिया ना, काफी है। अरे अरे वकील साहब, नहीं नहीं, मैं चलता हूँ। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाइए, मैं लंदन जाना चाहता हूँ। प्लीज प्लीज लॉयर साहब, प्लीज वापस आइए ना लॉयर साहब। प्लीज ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करो। ये प्रयास भी विफल हो गया, अब हम क्या करेंगे? कोई बात नहीं है, किसी भी तरह से कार्तिक को इस घर से दूर भेजना ही पड़ेगा। जितनी जल्दी हो सके इन दोनों को अलग करना होगा। हाय, मैं तुमसे ही मिलने आ रहा हूँ। इतने बड़े आदमी आपसे कुछ मांग रहे हैं, इनके बारे में कुछ सोचिए, 10 मिनट में हो जाएगा, ज्यादा नहीं। ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है, हमसे इसे क्या चाहिए? देखिए, आप यहाँ से जाइए वरना मैं पापा से शिकायत कर दूंगी। बीच में क्यों ला रही हो? अगर हमारी सेटिंग हो गई तो पापा को भी जाके पटाएंगे। ये तेरे पापा को पटाने की बात कर रहा है, क्या कॉन्फिडेंस है यार। कौन सा बाप अपनी बेटी को खुश नहीं देखना चाहेगा? लेकिन कोई बाप इस तरह अपनी बेटी को खुश नहीं देखना चाहेगा। इसे पकड़ो। ये क्या है? पकड़ो, लेटर है, पूरी रात जाग के लिखा है। मैं सब फेस टू फेस करता हूँ, इस तरह लेटर लिखने की मुझे आदत नहीं है। अगर इसे पढ़ोगी तो मेरे दर्द को, मेरी आत्मा को, तड़प को समझोगी और फिर मेरे पास दौड़ के आ जाओ। मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार है, ठीक है? ओके बाय। आपके हाथ जोड़ता हूँ, मान जाइए। आज तो काम बन जाए। What happened? हिलसा मछली है, यही नदी में पकड़ी थी, आपके लिए फ्रेश लेकर आ गया। एक बार खाओगी तो बार बार हमें याद करोगी। अपना मुंह बंद रखेगा, स्पेशली आपके लिए लेकर आया हूँ मैडम। अगर मिस्टर नाइटो को यहाँ बुला लूँ तो इनका गेम फिनिश हो जाएगा। इतना स्ट्रेस करके ये लेकर आए हो, खाना खाकर ही जाना। जरा लोड चेक कर लो। ठीक है साहब। टीचर जी? हाँ टीचर जी, बोलिए। वो दोनों फूल मेरे हाउस में है, आप मेरे घर पर आ जाइए। ठीक है पापा। हाँ। उनको बातों में उलझाइए। हाँ। और सारी की सारी डिटेल्स ले लीजिए। टीचर जी ने मुझसे कहा कि दो फूल आए हैं और उनको मिलने घर पे जाना है, क्या कहना चाहते हैं? अरे बाप रे, फूल का मतलब तो फूल होता है। उसने आपको फूल लेकर घर आने कहा, इसका मतलब वो आपको पसंद करती है। चुप रे, वो टीचर है, पूजा के लिए फूल मंगा रही होगी, गंदा दिमाग है तेरा। हाँ तो फिर जाओ और पूजा करो। मामा को इनके हाथ का खाना पसंद आ गया तो टीचर पास हो गई समझो। ठीक लगता है मामा जी यहाँ पर आएंगे। अगर मेरा गैस सही है तो टीचर ने मामा जी को फोन कर दिया होगा। सामने देख, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। हंसना बहुत हो गया। तुम्हारा नाम क्या है? इसके बारे में कुछ सोचा नहीं है। अरे ये क्या बात हुई? मेरे ज्योतिष ने ऐसा नाम रखने के लिए कहा जिसका पहला और आखिरी अक्षर सेम हो। आज तक ऐसा नाम ढूंढने के चक्कर में नाम ही नहीं रखा है। अरे हो मत, ये बुजुर्ग आदमी नाम ढूंढने में तेरी मदद करने वाले हैं। ऐसा क्या? आपकी मदद करूंगा। आपका नाम क्या है? मुझे नहीं पता। नहीं पता क्या मतलब? बचपन में दादी ने मुझे कान में बताया था। फिर वो बताओ। तब मैं बच्चा था, अब मैं भूल गया। तो फिर बड़े होने के बाद पूछ लेते। तब तक वो गुजर चुकी थी। फिर दोनों एक दूसरे को क्या कहकर बुलाते हो? मैं उसे अरे कहता हूं। मैं उसे यार बुलाता हूं। यार? आपने मुझे बुलाया? अरे 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 अरे, आपने मुझे बुलाया? लगता है पूरी तैयारी करके आए हैं, मुझे इनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। वैसे मैंने एक नया फोन खरीदा है, तुम्हारे एक फोटो लेते हैं। अरे वाह, क्यों नहीं, चले फोटो खिंचवाते हैं। रेडी, 1 2 3। फोटो लेते वक्त तुम हिलोगे तो तुम्हारी फोटो कैसे आएगी? चलो वहां जाओ। रेडी, 1 2 3। फ्लैश से ज्यादा तुम लोग फास्ट हो तो फोटो कैसे ले सकता हूँ? चलो वापस जाओ। आप कहाँ हैं? आपके घर के पास ही हूँ, बस आ ही रहा हूँ। मेन डोर से नहीं, बैक डोर से आइए। पीछे का दरवाजा? ये क्या है, कहीं राजू की बात सच तो नहीं है? मास्टर जी। हाँ? टीचर तो बहुत ही होशियार है ना? सही कहा बेटा, अगर तुम मेरी बेटी की फोटो देखोगे तो बहुत जल्दी तुम्हें उसकी होशियारी का पता चल जाएगा। कम्पास।
कहाँ जाना है? बेडरूम में। बेडरूम? जल्दी करिए ना। देखिए मैं ये सब नहीं कर सकता। काम के लिए आप बिल्कुल सही हैं, सब प्रिंसिपल ने कहा। प्रिंसिपल ने? पर उन्होंने ऐसा क्यों कहा? मैं कब से वेट कर रहा हूँ, जल्दी से अंदर लेकर जाओ। ये कौन है? ये मेरे पिताजी हैं। अभी का जान पहचान जरूरी है। बेटा मेरी बेटी को छेड़ने वाले को मैंने रूम में बंद करके रखा है। बेटी ने अंदर लेकर जाओ। हे भगवान, अरे ये तुम क्या कर रही हो? ओ, तुम बेड के नीचे छुपे हुए हैं। अब वहाँ पर नहीं, ये गलत है श्री। अरे जाइए ना। ऊपर नहीं, नीचे नीचे नीचे। कहाँ गए वो? आपने किसी और को फोन किया था? पापा, लगता है वो रास्कल्स भाग गए। जल्दी कीजिए पापा। पापा, अरे पता नहीं कहाँ चले गए वो। दरवाजे को बंद करना भूल गया था बेटी, लगता है वो लड़का यहीं से भागे। भाग गए बदमाश कुंडे। मैं कंफ्यूज हो गया था। अगर वो लोग फिर से आए तो मुझे फोन कर दीजिए, मैं उन्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। लगता है आपने हिलसा मछली की करी बनाई है, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। वैसे भी ये लंच टाइम है, अब खाना खाकर जाइए ना। नहीं खाना वाना रहने दीजिए। अरे आप इतनी दूर से यहाँ आए हैं तो खाकर जाइए। अगर आप खाना खाकर जाएंगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। अरे हाँ बोल तू मामा, हाँ बोल तू ना, बोल तू, बोल तू। खाइए ना। ठीक है। अब टेस्ट कैसा लगा? अच्छा लगा, मेरी माँ से बेहतर बना है। बेटे मछली के कांटे से बचकर आराम से खाओ। मेरा नाम वेंकट नायडू है, मछली के कांटे से मुझे What happened? आप चीख तो है ना? आराम से। मछली का काटा। अबे तू कहाँ जा रहा है? वो संभाल लेगी यहीं पे। मछली का काटा, एक मिनट। इसे बिना चबाए खा लीजिएगा, कांटा अपने आप सॉल्व हो जाएगा। काश ये कांटा 20 साल पहले ही अटक गया होता। सर्वे रिपोर्ट आ गई है जिया जी, जब तक कोई चमत्कार नहीं होता हम ये इलेक्शन नहीं जीत सकते। अगर हम लोगों को इलेक्शन से पहले 5,000 दे दें तो वो हमें 5 साल देंगे। इसे ही डेमोक्रेसी कहा जाता है इंग्लिश में। बस 1,000 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे, हमारा काम हो जाएगा। अरे नहीं 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 नहीं, अब ये काम नहीं करने वाला। हमारे खिलाफ लोगों के पास बहुत कारण है। हाँ अगर आप मिलिट्री नायडू का। क्या मिलिट्री नायडू? ए रुको। अगर वो हमारे सपोर्ट में पॉजिटिव स्टेटमेंट दे दें तो हम जीत जाएंगे। अगर उसे हमारी ताकत बनाना है तो हमें पहले उसकी वीकनेस पर फोकस करना होगा। हेलो, मुझे मिलिट्री नायडू से मिलना है। वहाँ पर अंदर होंगे। चला जा। गांव के लोगों ने मुझे बताया कि मिलिट्री नायडू सही है भयंकर नायडू को सबक सिखाने के लिए। हेलो सर, मेरा नाम कैंडी है और इसका नाम हारिका। हम आपसे एक मदद मांगने आए हैं सर, एक ताकतवर गुंडे आदमी ने हम दोनों को परेशान करके रखा है सर। आप उस आदमी को पीट पीट के मसल दीजिए सर। अरे वाह 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 वाह, अच्छा है आखिर तुम आई गई। मिलिट्री नायडू? मैं ही हूँ। तो फिर वेंकट नायडू? वो भी मैं ही हूँ। इस बलात्कारी आदमी को कोई कैसे इज्जतदार आदमी कह सकता है, उनकी तो मैं। ए राजू, हैं ये लड़कियां तो आ ही गईं। जी मालिक। ठंडा मंगवाओ, सबको यहाँ से भगाओ। ए, सब लोग जाओ यहाँ से, कोई दिखना नहीं चाहिए। हाँ चलो अब बोलो, तुम्हारे और मेरे भांजे कार्तिक के बीच में क्या पंगा हुआ है? कार्तिक इनका भांजा? मैं सिर्फ उसका मामा ही नहीं हूँ बल्कि उसका माँ बाप सब कुछ हूँ। अगर उसने कोई गलती की है तो मुझे बता दो। तो इतने दिनों से मेरे पीछे? यही सब जानने के लिए। और वो लेटर? उसी के लिए। और साइड में आने को कहा? इसी मामले को जानने के लिए। आप लोगों को क्या लगा? एक्चुअली व्हाट वी, उसकी जरूरत नहीं है। इसलिए आप जानना चाहते हैं कि हम दोनों अलग क्यों हुए, सही कहा ना? तुमने अपनी जॉब क्यों छोड़ दी कार्तिक? उन इंटरव्यू लेने वालों से तो तुम ज्यादा शॉक लग रही हो। ये जानकर कौन शॉक नहीं होगा कार्तिक? मैंने लंदन यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है क्योंकि मुझे लगा कि इंटरव्यू क्लियर करने के बाद तुम वहां जाओगे। मैंने सोचा था कि हम लोग वहीं सेटल हो जाएंगे,
और उसके बाद एक अच्छी जिंदगी बिताएंगे। अगर तुम्हें मुझसे यही एक्सपेक्टेशन है तो आई एम सॉरी हारिका, पर ये मेरी लाइफ नहीं है। ये लंदन न्यूयॉर्क सिर्फ देखने घूमने के लिए अच्छे हैं, पर मेरे लिए तो मेरा गांव ही प्यारा है, क्योंकि वहां मेरे मामा जी रहते हैं। फिर मैं अपने डैड को क्या बताऊंगी जब वो तुम्हारे बारे में पूछेंगे? बता देना मेरे मामा ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया और उनके लिए मैंने नौकरी ठुकरा दी। अब तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है, क्योंकि मैंने अपना फैसला कर लिया है। तो उसे भी छोड़ दोगे जिस लड़की को तुम प्यार करते हो? ये मेरा आखिरी सवाल है, तुम्हें मैं चाहिए या तुम्हारे मामा? अगर मामा के सामने जिंदगी को भी चुनना पड़े तो मैं मामा को ही चुनूंगा। मेरे यहाँ आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ कार्तिक है। मुझे लगा कि मैं अपने प्यार को फिर से जिंदा कर सकती हूँ, लेकिन उसे सिर्फ हमारी लड़ाई याद है अलग होने की पहले की। मुझे नहीं लगता कि वो मुझे बिल्कुल भी मिस करता है, लगता है वो मेरे बिना भी बहुत खुश है। हारिका, मैं अपने भांजे से बात करूंगा। प्लीज, मैं दो दिनों में अब्रॉड वापस जा रही हूँ, आप और आपका भांजा यहाँ खुशी से रहिए। हारिका, मैं चाहिए या तुम्हारे मामा? अगर मामा के सामने जिंदगी को भी चुनना पड़े तो मैं मामा को ही चुनूंगा। लंदन में पोस्टिंग है, हैंडसम पे। अपने मामा के लिए तुम क्या छोड़कर जा रहे हो तुम्हें पता है? वो फ्यूचर है किस काम का जिसमें मेरे मामा मेरे साथ ना हो। कार्तिक को लंदन ले जाने के लिए उसके दादा दादी यहाँ आए हैं। ये तो मुझे ले जाने की ठान कर आए हैं। प्लान क्या है मामा? जाओ अपना बैग पैक करो। क्या बात है मामा, ठीक है मैं बैग्स लेकर आता हूँ, प्लान बताइए। कोई प्लान नहीं है, तू चला जा। मामा जी, अच्छी तरह से परवरिश की हमारी जिम्मेदारी खत्म। बेहतर यही होगा तुम इनके साथ लंदन चले जाओ। हे, इसका सारा सामान गाड़ी में रख दो। मैं कहीं नहीं जाऊंगा मामा जी, यहीं रहूंगा। जब वो नहीं जाना चाहता तो आप उसे मजबूर क्यों कर रहे हैं? गणनी साहब, आप इसे अपने साथ ले जाइए। हारिका से मिलने गए थे ना मामा जी? हाँ, मैं उससे मिला था। उससे मिलने के बाद मुझे लगा कि वो बिल्कुल सही है। तू सिर्फ मेरे लिए उस लड़की को छोड़ रहा है? तुम ऐसा कर कैसे सकते हो, ये गलत है। वो स्वार्थी है मामा जी। प्यार का मतलब ही स्वार्थ होता है। मैंने तुम्हें 23 साल तक यहाँ पर अपनी छाती से लगा कर रखा, इसमें मेरा स्वार्थ था। तुम्हें लंदन नौकरी पे भेजने के खिलाफ था क्योंकि तुम दूर चले जाते, ये भी स्वार्थ था। और लंदन कितना दूर है, यहाँ से वहां जाने में कैलेंडर की तारीख भी नहीं बदलती। तारीख 24 घंटों में बदल सकती है, लेकिन मेरा दिल नहीं बदलेगा, चाहे आप उसे बदलने की कितनी भी कोशिश क्यों ना करें। कोई भी मुझे आपसे दूर नहीं लेकर जा सकता, आप भी नहीं मामा जी। मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूं, तुम लंदन चले जाओ, मेरी कसम। मामा जी, अरे रहने दीजिए वेंकटाराथम जी, उसे मजबूर मत करिए। जब आपने कहा कि मेरे पोते ने बुलाया है तो हम लोग यहाँ खुशी खुशी आ गए। यहाँ आने के बाद पता चला कि सच्चा प्यार क्या होता है। हमें देखना चाहिए कि वो उनके लिए क्या त्याग कर रहा है। वो उस लड़की को छोड़ने के लिए तैयार है जिसे वो प्यार करता था। जो आपने प्यार दिया है वो महान है। मैं आपसे विनती करता हूँ कि मेरे पोते को यहीं रहने दीजिए। आप इस तरह हाथ मत जोड़िए। जाने से पहले कार्तिक की सारी यादें वापस लौटाना चाहती थी। कार्तिक का करियर और उसके साथ मेरा फ्यूचर, अपनी लाइफ में इन चीजों के अलावा मैंने कुछ और सोचा ही नहीं। फ्रैंकली, मैंने उसके इमोशंस के बारे में कभी नहीं सोचा। सच कहूं तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि इसके ख्याल इतने अच्छे होंगे। मैं तो बस ये कहने आई थी कि तुमसे दोबारा कभी नहीं मिल पाऊंगी। I'm sorry कार्तिक। Really sorry। अभी मैं रियल में हैप्पी 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 हूं।
क्या मुझे शादी के लिए मनाने के लिए फोन किया है? मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि इस शादी के लिए बिल्कुल राजी मत होना। अगर आप नहीं मानोगे तो मेरा बेटा किसी तरह अपनी भांजी की शादी आपकी बेटी से करवा देगा। इसलिए जितनी जल्दी हो सके उसे यहां से बहुत दूर भेज दो। क्या तुम लोगों ने यह नहीं कहा था कि हमें इलेक्शन जीतने के लिए किसी चमत्कार की जरूरत है? वो हो गया। मिलिट्री नायडू मुझसे मिलने आ रहे हैं। इसी को मिरेकल कहते हैं इंग्लिश में। हमारे विधायक जी के नेतृत्व में युवाओं महिलाओं के लिए अच्छी योजनाएं, पिछड़े वर्ग और किसानों को फायदा। हमने हर घर हर परिवार के लिए बाथरूम का निर्माण करवाया। हमने हर घर एमएलए साहब के साथ बैठेगी प्रदान की और दान भी दिया। हमने बूढ़े लोगों की मदद की, विकलांगों के लिए भी किया। मैं आपके घर आकर एक जरूरी बात करना चाहता था। मुझे पता है आपका भांजा और मेरी बेटी एक दूसरे से प्यार करते हैं, है ना? वहाँ देखो। और एक बहुत अच्छा निर्णय लिया गया है, एमएलए पशुपति की इकलौती बेटी हरिका की शादी वेंकट नायडू के भांजे कार्तिक से की जाएगी। तालियां। अब हमारे बीच वेंकट नायडू जी आएंगे और एमएलए साहब के अच्छे कार्यों के बारे में बताएंगे। मैं यहाँ शादी की बात करने आया हूँ, इसकी राजनीति मत बनाइए। सर, हमारे एमएलए साहब तो आपसे अच्छे काम के लिए हौसला मांग रहे हैं। ये अपने भांजे के रिश्ते के लिए क्या इतना भी नहीं करेंगे? पशुपति नायडू को वोट दे, बस इतना कह दीजिए। जाइए वेंकट नायडू जी, जनता आपका वेट कर रही है, जाइए। सर प्लीज सर। सबको मेरा नमस्कार। हमारे एमएलए श्री पशुपति नायडू जी बहुत ही मेहनती हैं। इन्होंने काफी डेवलपमेंट करके हमारे क्षेत्र को आगे बढ़ाया है। ऐसे व्यक्ति को वोट देकर जिताना हम सबकी जिम्मेदारी है। देखा सर, अब तो आपकी जीत पक्की है सर। जूते से मारूंगा तुम्हें। भगवान ने हाथ दिए तो किसी भी बात पर उनसे ताली बजाओगे? तुमको दिमाग नहीं है या इस्तेमाल नहीं करते? कल तक मैं जिसका विरोध कर रहा था, आज मैं रिश्ते के लिए उनकी प्रशंसा कर रहा हूं। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या? अगर किसी ने कोई वादा किया है और उसे पूरा किया है तो उसे ही वोट दो। लेकिन अगर कोई रिश्ते से वोट मांगे, बाप भाई या पिता, तो उसे वोट मत दो। कुछ समझ में आया? लीडर बन के तुमने कोई तीर नहीं मारा है, कम से कम एक अच्छा पिता तो बनो अपनी बेटी के लिए। उस मिलिट्री नायडू को मार देते हैं जीजाजी। उसे जीना है, लेकिन उसके भांजे में उसकी जान बसती है, वो नहीं बचना चाहिए। हाँ माँ, बोलो। तुम्हारे मामा जी ने तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें गिफ्ट में हरिका देने का वादा किया है। मान गए तो हरिका का पति बनूंगा, नहीं माने तो अपने ससुर का दामाद बनूंगा। हेलो, मेरी बात ध्यान से सुनो कार्तिक। हरिका तुम अब तक पहुंची क्यों नहीं? मेरी आवाज आ रही है? हेलो हरिका, तुम वहाँ से निकल जाओ, प्लीज। तुम्हारी जान सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो, मेरे पापा के लोग तुम्हें मारने के लिए आ रहे हैं। मैं यहाँ मंदिर के मेले में हूँ, तुम कहो। Hey!
मामा भांजे दोनों की मौत यहीं पर लिखी है। hey! मुझे अपनी ताकत पर विश्वास है, भाग्य पर नहीं। अपना चाकू पकड़ो, अपनी कमर को कस लो, अपना पता लिख लो और अपनी जेब में रखो। तुम्हारी बॉडी को घर भेजने की जिम्मेदारी मेरी। yes! नदी में तैरना मैंने सिखाया, रिंग में खेलना मैंने सिखाया, और अब मैं इसे शिकार करना सिखाऊंगा। तुम्हारा खेल खत्म। इस साल ये मेला रंगों से नहीं, तुम्हारे खून से रंगेगा। आ जाओ सबके सब। आपने अपने बेटे को शादी के लिए भेजा और उसने गुंडे भेज दिए। लगता है मैं कुछ समझ। उसने क्या पाप किया है कि आपने उसे धोखा दिया? कोई पाप नहीं है लक्ष्मी, उसका श्राप है। उसके पैदा होते ही समय मैंने उसकी कुंडली देखी थी, तभी मैं समझ गया था कि ये मेरे बेटे की मौत का कारण बनेगा। कार्तिक की कुंडली भगवान श्री कृष्ण जैसी है, जिसमें लिखा है कि कार्तिक का जन्म अपने मामा को मारने के लिए हुआ है। लक्ष्मी, आज उसका 24वां जन्मदिन है, किसी भी क्षण वेंकट की जान जा सकती है। उसके लिए खतरा बढ़ता ही जा रहा है। हे भगवान, तुमने मुझे भविष्य देखने का श्राप क्यों दे दिया? तेरे सारे गुंडों के जिस्म में अभी तो सिर्फ सांसें बची हैं। ये रिपीट हुआ तो उनकी जान चली जाएगी। अपने जीजा से कह देना, आज से उनकी बेटी मेरे घर में रहेगी। चल भांजे। Thank you.
डिस्चार्ज शीट सेंड कीजिए। मैं नहीं जानता आप कैसा महसूस कर रहे हैं, लेकिन मैं बहुत टेंशन में हूँ कि मेरे सर आपके साथ क्या कर सकते हैं। मैं भी थक गया हूँ सर, मैं नहीं जानता कि मेरे भांजे के बारे में किससे पूछा जाए। यहीं पे रुकिए। याद में कौन है? ब्रिगेडियर विजय प्रकाश, वो चर्च के हमले में मारे गए ऑफिसर्स की बॉडी देखने आए। मतलब ये यहाँ के सबसे बड़े ऑफिसर हैं? पूरी छावनी के हेड हैं वो। सर डिस्चार्ज शीट। हाँ, अगर मैं चूक जाता तो वो मुझे मार देता। हाँ, ये आदमी कहाँ गया? ब्रिगेडियर साहब जरा मेरी बात सुनिए। विजय प्रकाश सर, प्लीज सर मेरी बात सुनिए सर। वो कार्तिक के मामा है सर। मेरा नाम वेंकट नायडू है सर, मेरा भांजा मिलिट्री में है सर। मैंने तुम्हें पहले ही कहा है तुम्हारा भांजा या नहीं है। मेजर बाहर फेंको इसे। सर मुझे यकीन है वो यहाँ है सर। सर मैं इसे देखता हूँ, आप चलिए। सर ये सब झूठ बोल रहे हैं सर, आपको मेरे साथ न्याय करना होगा सर। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि कार्तिक शिवराम नाम का आदमी आर्मी में नहीं है? फिर से एक बार बोलिए सर। कार्तिक शिवराम नाम का कोई भी आदमी आर्मी में नहीं है। सर मैंने सिर्फ आपको कार्तिक बोला था सर, अगर ये मेरे भांजे को नहीं जानते फिर इनको शिवराम नाम कैसे पता है सर? अजय सर उसे कार्तिक के पास ले जाओ। सर डू व्हाट आई से। यस सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मेरे भांजे को मत बताना कि मैं आ रहा हूं, वरना वो फिर से भाग जाएगा। मैं उसे नहीं बताऊंगा, पर आपके भांजे ने आर्मी क्यों ज्वाइन की? किसी डर की वजह से ना? नानी क्या आप जो कह रही हैं वो सच है? हाँ बेटा, ये राज तुम्हारे नाना ने 25 सालों से अपने सीने में दबाए रखा, ये सच है। क्या माँ पापा ऐसा कैसे कह सकते हैं? यहाँ लाइफ और डेथ का मैटर है और आप लोग इतनी लाइटली ले रहे हैं। तो और क्या करे बताओ, बस या ट्रेन के नीचे तो कोई भी आकर मर सकता है, लेकिन लोग तो कुंडली के बोझ से मर रहे हैं। इस बार तो क्या होगा ये भविष्यवाणी मैं करूंगा। आने वाली 15 तारीख को तुम्हारी शादी होगी, भले इसके पिता के गुंडे रास्ते में आए या मेरे पिता की कुंडली, मैं हर हाल में तुम दोनों की शादी करवा के रहूंगा। चल भांजे, ये लोग अंधविश्वास से कब बाहर निकलेंगे क्या पता। आप देखिए ना, शायद आपकी बात मान जाए। पर वो मानेंगे नहीं लक्ष्मी, यदि वो इसे मानते हैं तो वो सतर्क रहेंगे, इसीलिए भाग्य उन्हें इस पर विश्वास करने नहीं देगा। मुझे डर लग रहा है लक्ष्मी। मामा जी के लव का मैटर भी 2 दिन में सेट कर देता हूँ, फिर दोनों शादियां एक ही साथ हो जाएंगी। ऐसा क्या? यहाँ हो क्या रहा है? टीचर ने कंप्लेन की है कि कोई उन्हें छेड़ रहा है। हा? तो सारे मवालियों को बुला के उन्हें पीट रहे हैं तुम्हारे मामा। भाई अगर ये उन्हें मार रहे हैं तो हमारा हाल क्या होने वाला है? भाई कहीं वो हमारा कचूमर ना बना दे। ए, आज इसका फैसला करके रहूंगा। हरिका को फोन कर। हरिका, मैं फिर से पूछ रहा हूँ, अगर तुमने मुझे नहीं बताया कि कौन टीचर को परेशान कर रहा है तो पहले तुम्हारे टांगे तोड़ूंगा, फिर तुम्हारे हाथ तोड़ूंगा। अरे तुम नहीं जानते ये स्कूल टीचर को? मुझे सब पता है मामा जी। क्या इनमें से कोई नहीं है? तुम सब जा सकते हो। तुम कैसे जानते हो कि वो इन लोगों में नहीं है? मामा जी वो क्या कि क्या बात तो ये है कि ऐसा कोई कैरेक्टर ही नहीं है मामा जी, ये तो टीचर की बनाई गई कहानी है। अरे लेकिन टीचर झूठ क्यों बोलेंगे? आपके करीब आने के लिए। ठीक नहीं है, टीचर के बारे में ऐसी बातें नहीं करते। मामा जी एक बार ठीक से सोचिए तो, उस दिन टीचर की आंखों में धूल चली गई थी, तब वो नौकर को बोल सकती थी, पर उसने उफ उफ करने के लिए सिर्फ आप ही से क्यों कहा? क्यों कहा? आपके करीब आने के लिए। अरे क्या गधे के जैसा लॉजिक दे रहा है। ठीक है वो छोड़िए, उसने आपको बहाने से घर बुलाया, आपकी मनपसंद मछली पकाकर खिलाई, गले से कांटा भी निकाला, ये तो याद है ना आपको? बताइए उसने ऐसा क्यों किया? मेरे करीब आने के लिए। मुझे इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा कि टीचर जी ऐसा कर सकती हैं। तो फिर ठीक है मामा जी, आप टीचर को कॉल कीजिए, उन्हें बताइए आपको छेड़ने वाले लड़के मिल गए, असल मैटर सामने आएगा, इसकी कसम खा के कहता हूँ। लेकिन वो सारे बदमाश तो चले गए हैं, अब मैं उसे किसे दिखाऊंगा? मेरे पास एक प्लान है मामा जी, जब टीचर आ जाए तो मेरी तरफ इशारा कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा कोई छेड़ने वाला है ही नहीं, आप जिसकी तरफ इशारा करेंगे वो सीधा मान जाएंगी। ठीक है। कहाँ है वो फूल्स? ए, पीछे मुड़ो।
यही है वो बदमाश, यही है वो इडियट, यही है। टीचर जी, फिर से एक बार देखो और मुझे बताओ। यही है वो। और मैं इसका साथी तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये दोनों ही है वो। ये लड़के तीन लेसन सिखाइए। नहीं 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 नहीं, अकेले में मारना, अकेले में मारना, अकेले में मारना। हाँ हाँ, उस तरफ, उस तरफ, मैं उस तरफ जाता हूँ। आप यही रुकना, मैं इनको अच्छे से धोता हूँ। सही है, चलो। प्लीज प्लीज, अरे ये टीचर ऐसे झूठ क्यों बोल रही है? अरे आपको कितनी बार बताना पड़ेगा, आपके करीब आने के लिए और क्या। Who are you? और रो क्यों रही हो? कार्तिक मेरा लवर है मामा जी। अब क्योंकि कार्तिक ने प्लान बनाया था अपने मामा और आपको मिलाने के लिए। What? तो अब तुम्हें क्या लगता है वो टीचर मुझे इसीलिए फोन करती थी क्योंकि वो मुझे चाहती थी? उनके पास और क्या वजह है मामा जी? जो कैरेक्टर बनाया था आपने उसका पूरा भांडा फोड़ दिया। आज के बाद आपका कनेक्शन कट। कनेक्शन कट? इसलिए कार्तिक ने प्लान बनाया कि उसके मामा को आपसे प्यार हो जाए, लेकिन वो हुआ ही नहीं और सारा प्लान फ्लॉप हो गया। इसका मतलब वो मुझसे लव करते हैं? ए, लगता है आप भी उनसे प्यार करती हैं। आप तो बहुत बड़ा छुपा रस्ता निकली। अगर मौका चूक गया तो टीचर आपको कभी नहीं मिलेंगी। हमारे प्यार को प्लीज आप बचा लीजिए। जाकर प्रपोज कीजिए मामा जी, आपके हाथ जोड़ता हूं, इसको एक मामी दे दो प्लीज। अब ज्यादा देर मत करो। जाइए बोल दीजिए। अब मैं क्या करूं मामा जी? वो टीचर है तो स्टूडेंट की तरह क्या जा रहे हैं? वेयर इज द स्टाइल? स्टाइल का है मामा जी, एटीट्यूड के साथ है। कम ऑन। अरे बाप रे। रुक क्यों गए मामा जी? बोलिए। मुझे एक मिनट दो, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। I love you, कह दीजिए जल्दी। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। नहीं, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। आप कह दीजिए ना। मैं भी आपसे बहुत लव करती हूँ। जरा प्रैक्टिस कर रहा हूँ, एक मिनट। मामा जी, टीचर क्या कह रही है, सुन तो लीजिए। ठीक से क्या सुन रहा है यार? वो इंग्लिश बोलती है, मुझे समझ में नहीं आती। मुझे दो मिनट दीजिए प्लीज। I love you. I love you. I love you जी। अरे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बीच बीच में क्यों बोले जा रही हो? अरे मैंने आपसे आई लव यू कहा। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बीच में आई लव यू बोल रही हूँ। अरे मामा जी सुन तो लीजिए, टीचर क्या बोल रही है? वही तो बोल रहा हूँ कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बीच में आई लव यू, 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 आई लव यू। मैं ग्रहों की गणना करता हूँ, ग्रहों और भविष्य की भविष्यवाणी, पर आप एक महान आत्मा हैं जो योग शक्ति के साथ भविष्य को देख सकते हैं। क्या आपको मेरी समस्या का कोई समाधान दिख रहा है क्या गुरुजी? हम मौत को तो नहीं रोक सकते, उसका समाधान ढूंढ सकते हैं, लेकिन हम खतरे के स्रोत का अगर पता लगा लें तो सतर्क होकर हम मृत्यु आने से पहले ही उसके बारे में जान सकते हैं। मृत्यु पहले भी आ चुकी है, वो आपके बेटे के बहुत पास से आकर निकल गई। आपके सारे प्रश्नों का उत्तर इसमें है। शाम के समय दक्षिण की ओर वाहन के रूप में चल। अच्छा मेरे को भी एक मामी मिली गई। मैं मौत की आवाज सुन सकता हूँ। सब कुछ बिल्कुल प्लान के मुताबिक हुआ। मैं ब्रेक नहीं लगाता ना तो क्या होता? चाहे रोड हो या बेड हो, तुम्हारी तरह स्पीड कंट्रोल थोड़ी कर सकता हूँ मैं। भाई लगता है उसके मामा और मामी शॉपिंग करने के लिए शहर गए।
शॉपिंग के लिए नहीं गए हैं, शादी से पहले थोड़ी प्रैक्टिस के लिए गए हैं। सही कहा भाई। और भगा। भाई भाई, लगता है उसे बेवजह पंगा ले लिया, वो हमारा पीछा कर रहा है। उसे करने दे, हम उसके हाथ नहीं आने वाले। तेज चला। साहब आप बैठिए, मैं पंचर बना देता। अरे रे, ये क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं हुआ माँ, चिंता मत करो। मामा जी, आपके हाथ में ये पट्टी क्यों बंधी है? ये सब मेरी वजह से हुआ। जीप से कंट्रोल छूट गया और मामा जी का एक्सीडेंट। टायर पंक्चर हो गया था। जब टायर पंक्चर हो जाता है तो कंट्रोल छूट जाता है। हारिका, इसके लिए गर्म पानी निकालो, जाओ तुम जाके नहा लो। जाना। नंबूदरी सर ने हमें आगाह किया है एक वाहन के खतरे के बारे में और तुम समझते ही नहीं हो। और ये हुआ। लगता है कोई बड़ा खतरा तुम्हारे रास्ते में है। हाँ, वो पहले से परेशान है और ये सुनेगा तो और बुरा लगेगा उसे। मेरी बात तो सुन। ऐसा कुछ नहीं है, पहले पापा को भविष्यवाणी करने से रोको, वो हम सबको डरा रहे कुंडली उंडली के नाम पर। हमारे यहाँ से तकरीबन 100 रिलेटिव्स आएंगे। अरे यहाँ पर तो 200 लोग पड़े हैं सबकी देखभाल करने के लिए, और आप शादी में सिर्फ 100 रिश्तेदार लेकर आएंगी। चचे हाँ, एक काम करते हैं, आपके रिश्तेदार, उनके रिश्तेदार, उनके भी रिश्तेदार, सबको बुला लीजिए। अगर आप कहे तो आपके लिए पूरी ट्रेन बुक कर दूंगा। हेलो। आपकी खूबसूरती में ही नहीं, आपके वॉइस में भी एक किक है। माइंड योर लैंग्वेज, कौन हो तुम? जान पहचान हम लोग बाद में भी कर लेंगे, पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। आपके बाथरूम में छोटी सी सुराख की है, उसमें छोटा सा कैमरा फिट किया है। पढ़ी लिखी हो, समझदार भी हो, मेरी बात का मतलब तो समझ गई होगी ना? जूतों से मारूंगी तुम्हें। कौन हो तुम? रात के ठीक 9 बजे अपने स्कूल के हॉस्टल में आ जाना। मैं तुम्हारे हसीन बदन की कसम खाता हूँ, अगर तुमने मुझे सेटिस्फाई कर दिया तो आज का अपना वीडियो मुझसे ले लेना। नहीं नहीं तो। हेलो। इसी को कहते हैं ब्लैकमेलिंग इंग्लिश में। आ गया आ गया आ गया, क्या टाइमिंग है। मैं तो उसके आने का इंतजार कर रहा हूँ। आने दे उसे। ए, तू अपने पत्ते डाल। तो यहाँ पर क्यों आया? तेरी मामी कहाँ है? वीडियो कहाँ है? अगर 10 मिनट के अंदर तेरी मामी यहाँ नहीं आई तो इंटरनेट पर होगा और पूरा इंडिया देखेगा। वीडियो कहाँ? No.
लंका दहन का समय हो गया है, लगा दो आग। तीन सौ बच्चे हैं, दुख हो रहा है। आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है, मामा भांजे को अलग करने के लिए ये जरूरी है। बियर फैक्ट्री बनाने के लिए हॉस्टल को जलना जरूरी है। इसे टू बर्ड्स इन वन शॉट कहते हैं इंग्लिश में। अरे क्या हो रहा है यहाँ? कौन है भाई? कार्तिक बापू, अरे अरे जल्दी पानी लाओ। देखो कार्तिक ने कैसे आग लगाई, हमें परेशानी दिए बिना। वेंकट नायडू को बुलाने का समय आ गया, फोन करो फोन करो। अरे जल्दी करो, पानी डालो पानी डालो, चलो 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 क्या, जल्दी करो, जल्दी लाओ पानी। वेंकट बेटा, अंदर बहुत सारे बच्चे फंस गए, कोई भी अंदर नहीं जा पा रहा। चलो चलो चलो। जल्दी से अस्पताल लेकर जाओ। अरे रे 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 भगवान, यहाँ क्या हो रहा है मास्टर? हाँ क्या हो रहा है? जीजा जी, जीजा जी, जब मैं फिल्म देखकर आ रहा था तो कार्तिक और उसके दोस्तों ने मुझे मारने की कोशिश की, मैं डर के मारे यहाँ पर छुप गया तो उसने आग लगा दी। देखिए जीजा जी, ये अगर झूठ बोला ना तो मार दूंगा। रुको, तो फिर आप हमें सच क्यों नहीं बताते? आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं और मेरे लोगों को क्यों पीटा? बिना किसी कारण के कोई किसी को नहीं पीटता, बताओ इसको क्यों पीटा? मामा जी, इस कमीने ने फोन करके। बोलो सच क्या है, सबको बताओ। तुम्हारा भांजा जवाब दे रहा है ना? ना ही तुम मेरे साथियों पर विश्वास कर रहे हो। ठीक है, ये सब छोड़ दो। मास्टर जी, आप सच्चाई की मूरत है, आप बताइए यहाँ क्या हुआ, किसने किसको मारा और कौन कारण है और किसने इस हॉस्टल को जलाया, बताइए। असल में डरने की जरूरत नहीं है, सच बोलिए। कार्तिक ने पीछा करते हुए डोरा बाबू पर सिलेंडर फेंका। वही, उस सिलेंडर के फटने से पूरा हॉस्टल जल गया। जब चाहे किसी को मार सकता है, इसके मामा का सपोर्ट है, इसीलिए कुछ भी करेगा। मामा जी मुझे 10 मिनट दीजिए, मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा। भांजा, देखो इसके गुस्से की वजह से ये हॉस्टल जलकर खाक हो गया। ऐसे पाला आए अपने भांजे को। मामा जी के खिलाफ एक शब्द कहा ना तो छोड़ूंगा नहीं। कार्तिक उसे छोड़ो। मामा जी आप कुछ नहीं जानते। कार्तिक छोड़ो, मामा जी के खिलाफ बोलेगा। इन्होंने क्या किया मुझे नहीं पता, यहाँ 300 बच्चे हैं, तुम्हें क्या पता माँ बाप का दर्द क्या होता है। जीजा जी, कैसा लगेगा जब इसे पता चलेगा कि कोई वीडियो है ही नहीं? इसे कहते हैं शॉक इंग्लिश में।
मैंने उसे गुस्से में मारा था सर, लेकिन मुझे पता था उसकी चुप्पी के पीछे कुछ है। ये सब कुछ इस घिनौने इंसान ने किया है सर। मेरे कार्तिक को छोड़ दीजिए। मैं देख लूंगा, आप जाइए। हे कार्तिक, कार्तिक मुझसे गलती हो गई। उसको जब पीटा तब सच बताया। मुझसे बदला लेने के लिए वो लोग तुम्हें फंसाना चाहते थे। ठीक है, चलो घर चलते हैं। समय उसने न केवल मेरी बांह को धक्का दिया सर, बल्कि उसने मुझे अपनी जिंदगी से भी निकाल दिया। वही आखिरी बार था जब मैंने उसको देखा। मेरी जिंदगी के अलावा वो मेरी खुशियां, मेरी आत्मा, सब कुछ ले गया सर। आपने उसे पाला पोसा है, अगर आपने गुस्से में उस पर हाथ उठा दिया सिर्फ इस वजह से कोई आर्मी ज्वाइन कर लेगा क्या? मेरे दिल को छोड़कर गाँव में सभी ने ऐसा ही सोचा था। 3 साल लग गए असली कारण जानने के लिए। अगर वो शादी करना चाहता तो उसकी बात पक्की करवा दो। अगर वो किसी और लड़की के साथ शादी करना चाहता है तो उसकी शादी करवा दो। पापा प्लीज, अगर पता होता आप ऐसी बातें करेंगे तो मैं आपके साथ यहाँ कभी नहीं आती। देखिए आप जब तक चाहेंगे मैं वेट करूंगी। तुम रुको, मैं एक पिता के रूप में उनके दर्द को समझता हूँ। मेरी बेटी अब बेंगलोर में काम करती है, प्यार और शादी से दूर रहने के लिए। मुझ पर यकीन नहीं तो इसी से पूछ लो। इसकी कोई जरूरत नहीं है, कार्तिक आएगा तो हम साथ में शादी करेंगे। हाँ हाँ, वो आएगा, लेकिन वो क्यों आएगा और कब आएगा? वो क्यों आएगा जब तुमने उसे मारा और अब बदल गए हो? उसका जीवन जीने का तरीका बहुत ही अजीब है। इसने अपने भांजे को भगा दिया जब उसकी शादी मेरी बेटी से होने वाली थी। हमारे साथ ये गंदा खेल खेल रहा है कोई इसका जवाब? आप रुकिए, मैं बात करता हूं। वो कहां है, कब तक आएगा, कुछ भी पता नहीं है। उसके इंतजार में तुम्हें अपनी शादी को टालते रहना अच्छी बात नहीं है। क्या आपको लगता है कि वो इतने समय तक मुझसे दूर रह सकता है? वो वापस नहीं आएगा बेटा। नहीं पिताजी, मेरा दिल कहता है वो वापस जरूर आएगा। आएगा, आएगा, आएगा। वो नहीं आएगा, वो तुमसे नाराज होकर गया है, नहीं आएगा। इसका मतलब आप जानते हैं उसने ऐसा क्यों किया? आप जानते हैं, आप जानते हैं। बेटा सुनो, तुम चुप रहो। आपने ऐसा क्या कहा उससे, आपने ऐसा क्या कहा उससे कि मुझे छोड़ के चला गया? बेटा कार्तिक, इस वक्त कहाँ जा रहे हो? आप कुंडली के बारे में सही थे नाना जी, मैंने नानी की बात सुन ली थी। जब वो मामा जी से कह रही थी कि आगे और खतरा आएगा, उस दिन मैं पूजा वाले कमरे में गया। मैंने पढ़ा कि कुंडली में गाड़ी के बारे में लिखा था, मैं ये देखकर हैरान हो गया। वाहन मैं ये पढ़कर चौंक गया कि मेरी वजह से मेरे मामा जी की जान को खतरा है। कुंडली का भविष्य सच हो रहा था। उसमें यह भी लिखा था कि अगला खतरा आग के रूप में होगा, और ठीक 24 घंटों के अंदर मेरी आंखों के सामने वही हुआ। तब मैंने समझा कि मेरी वजह से मामा जी की जान को खतरा हो सकता है। मैं ये कभी समझ नहीं पाया कि आप हमारी रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने आपको बहुत चोट पहुंचाई है, मुझे माफ कर दीजिए नाना जी। I'm sorry. माफ कर दीजिए मुझे, मैं चला जाता हूँ यहाँ से। हाँ, लेकिन तुम जाओगे कहाँ बेटा? इससे पहले कि मामा जी यहाँ आ जाए मुझे यहाँ से जाना होगा। मेरी वजह से मामा जी ने आर्मी जाने का सपना छोड़ दिया। अब चाहे जो भी मुश्किल सामने आए, मैं आर्मी ज्वाइन करके ही रहूंगा नाना जी। लेकिन हरिका को क्या जवाब दोगे बेटा? उसकी कोई जरूरत नहीं है नानी। हाँ? अगर तुम अपने मामा जी की भलाई के लिए उनसे दूर रह सकते हो तो क्या मैं कुछ दिनों के लिए तुमसे दूर नहीं रह सकती?
हरिका ने मुझे बताया कि आखिरी बार कार्तिक कश्मीर में था, इसीलिए मैं यहाँ आया सर। वैसे एक वजह आप भी हैं जिससे मैं अपने भांजे से मिल रहा हूँ। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा सर। हम आपको आपके भांजे के पास नहीं ले जा रहे हैं। ब्रिगेडियर ने तो आपको मुझे कार्तिक के पास ले जाने को कहा। उसी ब्रिगेडियर ने आपको 2 दिन तक कस्टडी में रखने का ऑर्डर दिया है। आपके भांजे के आसपास कोई कॉन्स्पिरेसी चल रही है। फिर से कहिए सर। शायद कार्तिक की जान खतरे में है। अगर मेरा भांजा खतरे में है तो उसका मामा वेंकट नायडू युद्ध में है सर। स्टॉप। ब्रिगेडियर को फोन करो। What the hell is happening here? तुम्हें पता है मैं कौन हूं? पता है, मैं भी कभी यही यूनिफॉर्म पहनने के सपने देखा करता था, लेकिन आज आपने मुझे बंदूक उठाने पर मजबूर कर दिया है। आपने मेरे भांजे के बारे में झूठ क्यों बोला? तुम जानना चाहते हो कि कार्तिक के साथ क्या हुआ है? गुलमर्ग चर्च हमला। उस हमले को जिसने अंजाम दिया था वो था लश्करे मोहम्मद का चीफ अबू उस्मान, कश्मीर के कई आतंकवादी हमलों का मास्टरमाइंड। उन दरिंदों को 46 मासूम बच्चों और औरतों को मारने में जरा भी शर्म नहीं आई। उस घटना ने हमारे 70 साल के धैर्य को छोड़कर सीमा पार जाने पर मजबूर कर दिया। ट्रैक रिकॉर्ड और ट्रेनिंग को देखते हुए इस मिशन के लिए 10 सबसे बढ़िया पैरा कमांडो को चुना गया जो इस मिशन को बखूबी अंजाम दे सकते थे। हमारी जानकारी के अनुसार भारी हथियारों से लैस प्रशिक्षित आतंकवादी वहां हैं। हमें उन सबको मारकर अबू उस्मान को जिंदा पकड़ना है और इस ऑपरेशन का नेतृत्व करेंगे कैप्टन कार्तिक श्रीराम। आप लोग अपने देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर सरहद पर जाकर उन्हें जवाब देने के लिए आर यू रेडी? यस सर। अब उन्हें पता चलेगा कि जब हम सीमा पार करते हैं तो क्या होता है सर। देन गो, हिट देम हार्ड। प्रिपेयर फॉर टेक ऑफ। Approaching LOC. Descent initiated. Take all 3 of them at once. Target lock. Fire. Come on, boys, move, move! Sabko maar do! Koi bachna nahi chahiye!
अल्फा टू चार्ली, मिशन अकम्प्लिश्ड। यस। सेंड द चॉपर, रीचिंग पिकअप पॉइंट। चॉपर्स इनटू एक्शन। मेरा छोटू आ गया। बॉयज़, टेक कवर, टेक कवर बॉयज़, चुप। टेक हिम विद यू, द चॉपर्स कम, गो गो गो, गो गो गो, मूव। Bravo to Charlie, Lieutenant Vishal injured, sir. What the hell? I can hold them. Move! We'll stay with you, sir. You guys go, that's an order. Go! Yes, sir. Come on, sir. Go, go, go! Sir. एनिमी की बहुत हैवी फायरिंग हो रही है सर। सर, ही इज इन क्रिटिकल कंडीशन। कम ऑन, कम ऑन, यू गाइस मूव। इट्स एन ऑर्डर, मूव, मूव, मूव। कार्तिक सर, स्टे बैक सर। एंड ऑन हिज कमांड वी आर टेकिंग ऑफ सर। व्हाट द हेल? कार्तिक, कार्तिक, कम इन। हैया! कार्तिक, कार्तिक, कम बैक, व्हाट्स हैपनिंग देयर? सर, मिशन सक्सेस। सर, मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मेरे मामा जी मुझे ढूंढते हुए वहां तक आएंगे। उनसे कहना उनका भांजा आखिरी सांस तक देश के लिए लड़ा सर। नो 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 कार्तिक, आई कांट लूज यू, हैंग ऑन, हैंग ऑन। एडिशनल फोर्स भेजता हूं, जस्ट हैंग ऑन। जय हिंद। कार्तिक, कार्तिक, कार्तिक को जिंदा लौटाने के लिए रज़ाक ने यह शर्त रखी है कि उसके भाई को रिहा कर दिया जाए, जो संभव नहीं है। क्यों नहीं सर? क्योंकि उस्मान जिंदा नहीं है, ही इज डेड। रास्ते में इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से उसकी मौत हो गई। जैसे ही यह खबर उन्हें लगेगी, वो कार्तिक को जान से मार डालेंगे। इसी वजह से मैंने आपको हिरासत में लेने का आदेश दिया था। कार्तिक के बदले उस्मान को वापस भेजने का आखिरी समय कल रात तक का है। तो फिर अब कार्तिक का क्या होगा सर? हम अपना कोई मरा हुआ फौजी भी नहीं छोड़ते दुश्मनों के बीच, फिर आप कार्तिक को वहां कैसे छोड़ सकते हैं? आपको लगता है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं? हम कार्तिक को बचाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। खून के रिश्ते से भी बड़ा आर्मी का परिवार है। जब भी मैं वीडियो देखता हूं जिसमें कार्तिक को टॉर्चर किया जा रहा है, मेरा खून खौल जाता है। जब हम एक जवान को बचा नहीं सकते तो किस काम की आर्मी या जवान और ये ट्रेनिंग? क्या ये बंदूकें सिर्फ किसी के शहीद होने पर सलामी देने के लिए है? इनफ। ब्रिगेडियर के नाते हर फौजी की सलामती मेरी जिम्मेदारी है। हमने सैकड़ों बार कोशिश की लेकिन हम नाकाम रहे। मेरे पास एक प्रपोजल है, पर एक ब्रिगेडियर इमोशनल डिसीजन नहीं ले सकता। आई एम हेल्पलेस, इसीलिए मैंने रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट कर दिया सर? हम एक फौजी को अबू उस्मान बना के भेज सकते हैं कार्तिक को वापस लाने के लिए। अगर हमने सही समय पर हमला किया तो कार्तिक सुरक्षित आ सकता है, लेकिन इस प्लान में कमी है, क्योंकि उस फौजी के लिए यह एक सुसाइड मिशन है। वो मर भी सकता है। जैसे ही उन्हें एहसास होगा कि वो उस्मान नहीं है तो वो उसे गोली मार देंगे। एक सैनिक को दूसरे सैनिक के लिए बलिदान करना यह नैतिक या किसी भी रूप से सही नहीं है, और यही मेरी दुविधा है। मैं जाऊंगा सर। व्हाट? हां सर, मैं आपकी परेशानी समझता हूं। आप मुझे अबू उस्मान की तरह कपड़े पहनाओ। तुम्हारा दिमाग खराब है? अगर कार्तिक को कुछ हो जाता है तो मैं भी जिंदा नहीं रह पाऊंगा सर। वो मेरी जान है। अपने भांजे को मौत के मुंह से लाने के लिए
मैं कुछ भी कर सकता हूँ सर। एक ट्रेंड कमांडो के लिए भी ये मिशन मुश्किल है। तुम तो गन भी नहीं चला सकते, शायद तुमने कभी गन भी ना पकड़ी हो। मुझे भले ही गन पकड़नी नहीं आती हो, लेकिन मैं कार्तिक को किसी भी गोली से बचा सकता हूँ सर। भाई, उस्मान भाई को छोड़ने के लिए हिंदुस्तानी फौज ने हमारी शर्त मान ली। पिताजी, क्या हुआ वेंकट? मैं आज कार्तिक से मिलने जा रहा हूं पिताजी। कार्तिक वापस आएगा, आज से उसकी देखभाल आपको करनी है, उसकी शादी भी आप ही को करानी है। तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? उसे कभी भी मेरी कमी का एहसास मत होने दीजिए। हे भगवान। बेटा, क्या हुआ है वहां? क्या हो रहा है बेटा? तुम अपना ध्यान रखना मां, टीचर जिसे कहना मुझे माफ कर दे। बेटा, एक बार मेरी बात तो सुन लो बेटा। उसे मत बताना कि उस्मान की जगह मैं गया था सर।
कुछ नहीं होगा मामा जी, मैं हूं ना मामा जी। नहीं, कॉल कॉल द एम्बुलेंस, कॉल देम राइट नाउ। मामा जी वेंकट नायडू, हार नहीं मानना। आपने असंभव को संभव किया है, आपने अपने भांजे को बचा लिया है, आपको सिर्फ और सिर्फ सांस लेना है। कम ऑन डॉक्टर, डोंट गिव अप, कीप ट्राइंग। आई एम सॉरी सर। आप ही ने कहा था कि प्यार में बहुत ताकत होती है, इससे हम भगवान का लिखा हुआ भाग्य भी बदल सकते हैं। तो साबित कीजिए इस बात को मामा जी, साबित कीजिए और उठ जाइए मामा जी। कार्तिक, मामा जी, उठ जाइए। कैसे कंट्रोल करूं सर, इन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया लेकिन इनके बिना कैसे जीना ये नहीं सिखाया। मेरे माता पिता की मौत हुई तब मैं अनाथ नहीं हुआ, लेकिन आज एक पल में आपने मुझे अनाथ कर दिया। आपने मुझे अनाथ कर दिया मामा जी, अनाथ कर दिया। बोलो कैप्टन कार्तिक शिवराम, मामा जी ये बात दोबारा मत बोलना भांजे, मैं तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। मामा जी, एक इंसान का निस्वार्थ प्रेम किसी भी कुंडली से बढ़कर है। कुंडली एक विश्वास है लेकिन प्यार सच है। ये कहानी इस बात का प्रमाण है कि प्यार सबसे ऊपर है। मामा एक असीमित संपत्ति है जो माँ की तरफ से आती है, मामा पिता की ही तरह प्यार देता है। हमारी ये फिल्म मामा और भांजे के प्यार को समर्पित है। इसीलिए इंग्लिश फिल्में देखनी चाहिए। अब क्या करूं?
सॉरी, एक मिनट। अरे भांजे, अब क्या है मामा जी? जरा मुझे बताना कि शुरुआत कैसे की जाती है, मुझे नहीं पता है रे, कुछ आइडिया देना। मामा जी, ये कोई एग्जाम है जो मेरी नकल करके पास हो जाओगे? हाँ? ये कोई स्विमिंग नहीं है जो मैं आपको तैरना सिखा सकूं, बस फ्लो के साथ बह जाइए ना। अरे अरे, ये फ्लो मैं कहां से लाऊं, मुझे कुछ नहीं पता। मामा जी, डोंट डिस्टर्ब। अरे भांजे भांजे, कौन था? भांजा मेरा, वो जूनियर है और मैं सीनियर हूँ ना, वो बिल्कुल नया है। आप नहीं? टीचर नया सही है। क्या है कि चलो फ्लो के साथ चलते हैं। भांजे क्या हुआ? भांजे क्या हुआ बताओ मुझे, क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं हुआ मामा जी। अरे तो फिर चिल्लाए क्यों तुम? वो क्या है ना, हाँ बोल बोल ना, बोल। लव बाइट। हाँ बाइट बाइट, किसने क्या खा लिया? कौन सा कौन सा? नहीं नहीं, अरे मामी जी आप समझाइए ना, समझाइए इन्हें, समझाइए। हाँ समझाओ। लव बाइट का मतलब? हाँ बोलो। लव बाइट का मतलब मैं समझ गया भांजे।